नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI News पर। आज के दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सभी खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जवानों की शहादत पर बोले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, चीन से बदला ले मोदी सरकार ताकि वह फिर ऐसी हिम्मत ना करे। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में भारतीय जवानों की शहादत पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। अधीर रंजन ने कहा है कि चीन को हमारे जवानों को इस तरह से मार देने का कोई भी अधिकार नहीं है। चीन की सेना का इस तरह का व्यवहार हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अधीर रंजन ने आगे कहा है कि पीएम मोदी से हमारी गुजारिश है कि भारत चीन से बदला ले ताकि चीन की दोबारा हम पर हमला करने की हिम्मत ना हो। हम बदला चाहते हैं, उन्होंने हमारी फौज पर हमला किया है, इसका बदला लेना चाहिए। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है और केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि वह बदला ले ताकि चीन की दोबारा हिम्मत ना हो हमारे जवानों पर हमला करने की। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, कहां हैं वे चैनल्स जो पिछले हफ्ते चीन से करा चुके थे सरेंडर। भारत चीन झड़प पर सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं लोग, लोगों का जमकर के गुस्सा निकला है मोदी सरकार पर और कांग्रेस भी भड़की है मोदी सरकार पर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, LAC विवाद के बीच भारत और चीन में झड़प को लेकर के सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया रहा। लोगों ने पूछा कि आखिर वे खबरिया चैनल्स अब कहां पर हैं जो इस पूरे मसले पर पिछले ही हफ्ते चीन से सरेंडर करा चुके थे। एक ट्विटर यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कहां है वे न्यूज चैनल्स, गोदी मीडिया के चैनल्स जो पिछले हफ्ते चीन से सरेंडर करवा चुके थे। तो वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कहां है वे भक्त और वो मीडिया के गुलाम जो कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, कहां है 56 इंच की छाती। मैं तो कहता हूं क्यों नहीं दिखाते लाल आंख, जब आपके जवान सीमा पर मर रहे हैं तो आप क्यों नहीं हथियार उठाते हैं। ये यहां पर लोगों की तरफ से जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर बोला गया है और यहां पर गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को भी लिया गया है निशाने पर। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है, चीन ने भारतीय जवानों को मारा, कीर्ति बोले कहां गया लाल आंख दिखाने वाला 56 इंची 30 मारखां। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावों के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 2 जवानों को शहीद कर दिया है। आपको बता दें कि 45 साल में यह पहली बार हुआ है कि भारत चीन सीमा पर कोई जवान शहीद हुआ है। आगे आप लोगों को बताते चलें, चीन की इस शर्मनाक हरकत के बाद भारत में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने जवानों की शहादत को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए ट्विटर के जरिए कहा है कि कहां गया चीन को लाल लाल आंख दिखाने वाला, अब कहां गया है 56 इंच की छाती रखने वाला, कहां गया 30 मारखां। ये यहां पर लोगों की तरफ से जोरदार हमला बोला गया है और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद ने लिया है मोदी को निशाने पर। इस बीच एक और जानकारी आ रही है दोस्तों सामने, जवानों की शहादत पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, सरकार को तुरंत सफाई देनी चाहिए और देश को सच्चाई बतानी चाहिए। आप लोगों को बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत उन 3 वीर शहीदों के साथ खड़ा हुआ है जिन्हें चीन ने शहीद कर दिया। मेरी संवेदनाएं कर्नल और 2 बहादुर सैनिकों के परिवारों के साथ हैं। सामने से कमांडिंग ऑफिसर लीड कर रहे थे, सरकार को इन हत्याओं का बदला लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए बातें कही हैं और कहा है कि इन हत्याओं का बदला मोदी सरकार को लेना चाहिए, ये ओवैसी ने मांग भी की है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, भारत चीन के बीच विवाद पर कपिल सिब्बल ने पूछा 56 इंच की छाती कहां गई। चीन के साथ LAC पर जिस तरह से तनाव लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह से
माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आखिर अब कहां गई 56 इंच की छाती। कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि दो मुखी राजनीति। मोदी जी यूपीए पे आरोप लगाते थे कि हम चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते जब वो एलएसी पार करता है। मोदी जी आप चीन को लद्दाख में लाल आंख दिखाने में क्यों झिझक रहे हैं, और जब नेपाल आपको लाल लाल आंख दिखा रहा है आप बातचीत करना चाहते हैं। 56 इंच की छाती अब कहां गई है। ये यहां पर तमाम लोगों की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसी क्रम में यहां पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी यही पूछा है कि अब 56 इंच की छाती कहां गई है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले, लद्दाख में चीन का बड़ा धोखा। विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा सख्त जवाब दे केंद्र सरकार। आप लोगों को बताते चलें इस पूरे मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ वह चीन की ओर से लगातार हो रहे उल्लंघनों का ही हिस्सा है। ऐसी गतिविधियों के खिलाफ देश के खड़े होने का वक्त है। हमारे जवानों के साथ यह सही नहीं हो रहा है कि आए दिन कुछ अधिकारी और जवान मार दिए जा रहे हैं और सीमा की रक्षा करते हुए घायल हो रहे हैं। हम कमजोर हुए तो आक्रामक होता जाएगा चीन। आप लोगों को आगे बताते चलें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा है कि भारत सरकार के लिए यह सख्त रवैया अपनाने का समय है। हमारी तरफ से कमजोरी का एक भी संकेत चीन की प्रतिक्रिया को आक्रामक बनाता जाएगा। पूरे देश के साथ साथ मैं भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है वह बहुत परेशान करने वाला है। सरकार को इस विवाद के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। ये यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का कहना है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत। 21 मई को हुए थे गिरफ्तार। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत मंजूर कर ली गई है। उन्हें 21 मई को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। उन्हें आगरा में लॉकडाउन के दौरान धरना प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर और बदले की भावना के तहत कार्रवाई करने की यहां पर बात कही थी कांग्रेस ने और योगी सरकार को लिया था निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है, देश को भरोसे में ले सरकार संसद की बैठक बुलाए केंद्र। भारत चीन सैन्य झड़प के बीच बोली है आरजेडी। आप लोगों को बताते चलें, आरजेडी की सांसद मनोज झा ने मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा है कि पूरे देश में ऑल इज वेल का नारा दे रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा, पूरे देश से छिपाया गया है सच। संसद और अन्य नेताओं को विश्वास में नहीं लिया गया। ये पॉलिटिकल सेमलेसनेस का उदाहरण है कि आप देश को भरोसे में ही नहीं ले रहे हैं। आरजेडी के सांसद ने आगे कहा है कि हम शांति की पहल वाले मुल्क हैं लेकिन स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। मुझे दुख है कि हमारी सरकार को जिस प्रकार इस मसले पर देश को विश्वास में लेना चाहिए था उससे बिल्कुल इनकार कर दिया गया। अब भी वक्त है संसद की फौरी तौर पर बैठक बुलाई जाए, देश को विश्वास में लिया जाए, फिर हम सामूहिक रूप से देखेंगे। ये यहां पर कहना है आरजेडी के सांसद मनोज झा का। तो वहीं इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि बॉर्डर पर हमारे जवानों का शहीद होना काफी चिंताजनक है। जवानों की मुस्तैदी के कारण ही हम लोग अपने घरों में चैन से सोते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और चीन से बदला लेना चाहिए। ये यहां पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से मांग की है और केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया है। और लगातार विपक्ष हमलावर हो चुका है इस पूरे मामले पर केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश सीएम योगी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा यूपी की बेहतरी के लिए छोड़े कुर्सी। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकारी अराजकता के कारण उत्तर प्रदेश के हालात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकलते जा रहे हैं और राज्य की बेहतरी के लिए उन्हें अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने एक बयान में आगे कहा है कि पुलिस तंत्र में अराजकता जैसी स्थिति बन रही है, वहीं सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, किसान और छोटे कारीगर परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं,
कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य में अब हालात सुधरने के चूंकि आसार नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की बेहतरी के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर अब प्रस्थान कर जाना चाहिए। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और कहा है कि यूपी की बेहतरी के लिए छोड़े कुर्सी। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई है जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।